हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ सीजीआई शीट्स। तो हम सीजीआई शीट्स जो रूफ शीट्स होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 5 सेकंड में, वो भी 2 स्टेप्स में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सीजीआई शीट्स के लिए पहले आपको जो अपनी जो बिल्डिंग है उसका प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए। तो पहले आपको जो पहला स्टेप है वो है प्लिंथ एरिया आपके स्ट्रक्चर का ऑफ बिल्डिंग, वो कितना है। तो ये पहला स्टेप है गाइस। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई साइज़ ले लेता हूँ 30 फीट बाई 40 फीट। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको मैं एरिया निकाल, 1200 स्क्वायर फीट। तो ये इस बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया निकला। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको मैं पहले कन्वर्ट करता हूँ मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर स्क्वायर फीट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइडेड बाई 10.76 करना है। तो ये निकलेगा 1112 स्क्वायर मीटर। तो गाइज, इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप है, तो ये आपने इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका एरिया निकला स्क्वायर मीटर में 1112 मीटर स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से। तो ये फैक्टर होता है गाइज 1.25 to 1.3। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1. चलिए मैं 1.30 ले लेता हूँ। तो इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, ये निकलता है 144.98 मीटर स्क्वायर। सो इतना आपको मीटर स्क्वायर सीजीआई शीट लगता है। तो इसके बाद गाइज, ये डिपेंड करता है आपका साइज़ क्या है, सीजीआई शीट का। फॉर एग्जांपल आपने साइज़ कोई 10 बाई 3 का शीट लाया है, तो इसका जो एरिया कितना हुआ 10 बाई 30 का, 30 SFT। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर स्क्वायर में तो 10.76 आपको मैंने बता दिया, तो ये निकलता है 2.78 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शीट्स निकलेंगे। ये है फॉर नंबर ऑफ शीट्स। ठीक है गाइस, तो टोटल एरिया आपको कितना निकला, 144.98 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट आपको कितना है, 2.78। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको निकलता है 52 नंबर्स। तो इतने नंबर अब आपको सीजीआई शीट चाहिए इस साइज़ के, अगर वो 10 फीट बाई 3 फीट का साइज़ है। अगर वो कोई और साइज़ का है तो आप उसको पहले स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे उस एरिया से, तो आपको निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स। सो गाइज, ये था बहुत ही ईजी मेथड था। तो 2 सेकंड में आपको नंबर ऑफ़ शीट्स पता चल गया कि कैसे निकालते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू।